दोस्तों, आप सब ने येलो डायमंड के विज्ञापन दिलदार हैं हम को जरूर देखा होगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान की दमदार एंट्री ने इस ब्रांड की दिलदारी को घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब इस ब्रांड के संस्थापक श्री अमित कुमत को बस में जाने से पहले ये भी सोचना पड़ता था कि बस लूं या फिर पैदल ही चला जाऊं, क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें उनके केमिकल के स्टार्टअप में करोड़ों रुपए का घाटा हो गया। ऐसे हालातों से लड़ते हुए उन्होंने कुछ ही सालों में केवल 15 लाख रुपए से चीज बॉल्स बेचने से शुरुआत कर 2700 करोड़ की स्नैक्स इंडस्ट्री खड़ी कर दी और आज प्रताप स्नैक्स भारत की 5वीं सबसे बड़ी स्नैक्स बेचने वाली कंपनी है। कैसे मिली इस ब्रांड को इतनी बड़ी कामयाबी और शोहरत, चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप भी सीख सके कामयाबी के कुछ राज। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1992 से, जब लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर डिग्री लेकर अमित कुमत भारत में ही कुछ करने के इरादे से अपने होम टाउन इंदौर वापस लौट आए। कुछ सालों तक पैकेज्ड फूड कंपनी वर्धमान स्नैक्स में काम करने के बाद अमित ने अपना काम करने की सोची। उस दौरान उन्होंने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक ही साल के अंदर कंपनी करोड़ों के कर्जे में डूब गई और उन्हें इस कंपनी को बंद करना पड़ा। अमित ने किसी तरह से अपने सगे संबंधियों से उधार लेकर और अपनी सारी जमा पूंजी देकर अपना कर्ज तो उतार दिया, लेकिन अब वे पैसा और मार्केट का भरोसा दोनों ही खो चुके थे। ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। वे जब सुबह उठते तो उन्हें मालूम नहीं होता था कि वे आज सारा दिन क्या करेंगे और कहां जाएंगे, क्योंकि उनके सभी ऑफिसेज बंद हो चुके थे और यहां तक कि कहीं जाने के लिए भी उन्हें दो बार सोचना पड़ता था कि बस लूं या फिर पैदल ही चला जाऊं। दोस्तों, अच्छा और बुरा समय हम सबकी जिंदगी में आता है। कुछ ऐसे समय में टूट जाते हैं और कुछ लोग ऐसे समय का मुकाबला करते हैं, और ऐसे ही लोग हवाओं के विपरीत जाकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दूसरे लोगों के लिए वे एक मिसाल बन जाते हैं। हमारी कहानी के नायक अमित ने भी विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और एक बार फिर से आंधियों के विपरीत जाकर दोबारा से कुछ काम करने की ठान ली। इस बार उन्होंने स्नैक्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का अनुभव उन्हें पहले से ही था, और इस आइडिया को 2002 में उन्होंने अपने बड़े भाई अपूर्व कुमत और उनके एक फैमिली फ्रेंड अरविंद मेहता के साथ शेयर किया। दोनों को ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने अमित का साथ देने का फैसला किया और साथ ही साथ बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए का भी इंतजाम किया। इस काम की शुरुआत उन्होंने 2003 में चीज बॉल से की, जिसका प्रोडक्शन उन्होंने आउटसोर्स किया और अपनी पैकिंग और ब्रांड में चीज बॉल बेचने लगे। शुरुआत में इस प्रोडक्ट को इंदौर और आसपास के छोटे शहरों में बेचना शुरू किया। 10x10 के ऑफिस से शुरू की उनकी ये कंपनी। पहले साल 22 लाख, अगले साल 1 करोड़ और 2005 में 7 करोड़ के प्रॉफिट तक जा पहुंचे, और इससे वे समझ चुके थे कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जिसके लिए प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल खुद के हाथ में होना जरूरी है। उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन लाइन 2005 में खरीदी, जो एक पुरानी प्रोडक्शन लाइन थी, लेकिन इस कई साल पुरानी प्रोडक्शन लाइन से उन्होंने पोटैटो चिप्स बनाने की शुरुआत की। प्रोडक्शन में तेजी आते ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का भी विस्तार किया, लेकिन अभी भी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में छोटे शहरों को टारगेट करना सबसे ज्यादा सर्वोपरि था, जहां बड़ी कंपनियों की पहुंच काफी लिमिटेड थी। धीरे धीरे अपने प्राइस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से प्रताप स्नैक्स ने फ्रीटो चिप्स जैसे बड़े ब्रांड की सेल को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। 2006 से 2007 में उन्होंने पेप्सिको कंपनी के लोकप्रिय कुरकुरे के प्रतिद्वंदी स्नैक्स के रूप में चुलबुले को लॉन्च किया। येलो डायमंड्स ब्रांड को अब लोग लोकल ब्रांड के रूप में पहचानने लगे थे। 2011 तक कुछ ही सालों में कंपनी भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित होने के बावजूद 150 करोड़ के टर्नओवर तक जा पहुंची। येलो डायमंड की सफलता को देखते हुए बहुत से इक्विटी इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाने की पेशकश भी करने लगे, लेकिन अमित और उनके पार्टनर्स ने किसी भी तरह की बाहरी पूंजी को काफी लंबे समय तक इनकार ही किया। 2011 में सिकोया कैपिटल नाम की एक ग्लोबल कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट और अपने टॉप के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और रिटेल में एक अनुभवी टीम के साथ कंपनी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने और आने वाले 6 सालों में कंपनी को 5 गुना बड़ा बनाने का अपना प्लान समझाया। सिकोया कैपिटल से कुछ मीटिंग्स के बाद उन्हें ये ऑफर काफी अच्छा तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार करने से पहले कुछ महीने का समय लिया और अंत में सिकोया कैपिटल के इस 200 करोड़ के ऑफर को
एक्सेप्ट कर लिया। इस बड़ी इन्वेस्टमेंट से उन्होंने कई चिप्स मेकिंग, ड्रिंक्स मेकिंग, नमकीन मेकिंग की यूनिट्स लगाकर अपने प्रोडक्शन और मार्केट का विस्तार किया और 2016 में सलमान खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ने से ये ब्रांड बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो गया और आज देश भर में इस ब्रांड ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। शुरुआत में कंपनी का ब्रांड नेम डायमंड ही सोचा गया था, लेकिन ये ब्रांड पहले से ही रजिस्टर था, इसलिए साथ में येलो लगाकर ब्रांड का नाम येलो डायमंड रखा गया। 3 लोगों से शुरू की इस कंपनी में आज 750 लोग प्रत्यक्ष रूप में और लगभग 3000 लोग अप्रत्यक्ष रूप में काम करते हैं। सितंबर 2017 में कंपनी अपने आईपीओ के साथ बीएससी में लिस्ट हुई और आज कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 2700 करोड़ रुपए है। आज इस कंपनी के 24 से ज्यादा शहरों में 2900 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 4 प्रोडक्शन यूनिट हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी येलो डायमंड की, कहानी हार से जीत की। क्या सीखा आपने इस कहानी से, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस कहानी को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ना जाने आपका ये एक शेयर किसकी जिंदगी बदल डाले। धन्यवाद।